मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 28, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 28 में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले व्यूवर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। तो अब हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमने अडोब फोटोशॉप CS5 का कोर्स स्टार्ट करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी अडोब फोटोशॉप का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ से आपने जो सा भी कोर्स करना है उसको आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से कोरेड्रा को क्लिक कर लेता हूँ, तो ये कोरेड्रा का तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन आ गई इसकी, ठीक है। अगर अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है कोरेड्रा के हवाले से, आप इसको ज़रूर देखिए। इसको देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी तमाम इसकी जितनी भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में वो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सिखा रहे हैं तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाए तो यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिख देंगे और उसके बाद सबमिट करवा देंगे तो आपके पास एक छोटी सी ईमेल पर नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे अप्रूव कर देंगे तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। तो उसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करते साथ इसके साथ एक बेल का निशान आएगा, आप उसको भी चेक कर दीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा व्यूअर्स कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अपलोड करते हैं तो वो भी आप तक बाय ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी आपको। इससे आपको हमारी वेबसाइट पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर बार बार आके ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्यों क्या न्यू अपडेट्स हैं और क्या नए सॉफ्टवेयर हमने अपनी वेबसाइट पर डाले या क्या हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर न्यू वीडियोस अपलोड किए हैं। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 28, जो कि है स्मार्ट ड्राइंग टूल, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है Shift+S, ठीक है। शिफ्ट का बटन दबाकर आप एस को प्रेस करेंगे तो यही टूल आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस ये टूल की अगर मैं आपको बताऊँ कि ये टूल है पाँचवें नंबर पर टूल बार में, ठीक है। टूल बार में पाँचवें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री हैंड टूल नज़र आएगा, उसके नीचे एक छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप उस छोटे से निशान को प्रेस करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्मार्ट ड्राइंग टूल, ठीक है। तो उस स्मार्ट ड्राइंग टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्मार्ट ड्राइंग टूल को सेलेक्ट करते ही मेरे पास एक पेन का निशान आ गया, ठीक है। और अगर आप इसके यहाँ पर मेन्यू बार में देखें, यानी कि रिबन में अगर आप इसके देखें तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरह का मेन्यू मिल जाता है, ठीक है। इसके मेन्यू के बाद अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी आपने रिकनाइज़ कितना करना है इसको, ठीक है, रिकनाइज़ कितना करना है। और उसके अलावा आपने इसकी स्मूथनेस कितनी रखनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों चीज़ें मीडियम है, ठीक है। तो अगर मैं मीडियम पर ही काम करता हूँ तो व्यूअर्स इस यानी कि इस ड्राइंग टूल का ये हेल्प मिल जाती है कि अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्राइंग को बनाते वक्त आपसे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हर इंसान का माउस के ऊपर इतना परफेक्टली हाथ सेट नहीं होता कि वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्राइंग कर सके, ठीक है। तो इसका एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर किस तरह से यानी कि मेरे से टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, क्योंकि सही तरह से ड्रॉ नहीं हो रही। तो ये खुद पे खुद इसको रिकनाइज कर देगा, यानी कि इसको खुद पे खुद ही बिल्कुल मेंटेन कर देगा ये टूल। अगर मैं इसको अपने कीबोर्ड का माउस छोड़ देता हूँ तो ये देखिए, इसने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे पास रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी, जबकि मेरी जो मैं खुद ड्रॉ करता हूँ वो बिल्कुल इस तरीके से नहीं होती। देखिए वो कितनी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही छोड़ता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसको ड्रॉ कर देता है। इसी तरह से आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रेक्टेंगुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसने बना दी, ठीक है। तो इसके साथ आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो आप बिना झिझक और बिना डरे वो बना सकते हैं। और रही बात इसके मेन्यू बार की यानी कि रिबन की, तो यहाँ से अगर आप इसकी रिकनाइज हाइएस्ट कर देंगे और इसकी स्मूथनेस को भी हाइएस्ट कर देंगे तो इसके साथ क्या होगा, इसकी स्मूथनेस भी हाइएस्ट हो जाएगी और इसकी रिकनाइज भी हाइएस्ट, यानी कि परफेक्ट तरीके के साथ ये काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट तो ये आपकी मीडियम होगी, ठीक है। तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप इसको हाइएस्ट पे कर दें, ठीक है। हाईएस्ट पे करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये इजीली तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल परफेक्टली बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एलिप्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है व्यूअर्स कि अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो अगर हो सकता है कि मैं यहाँ से मेरा हाथ थोड़ा सा तिलक जाए तो ये हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये गलत हो गया, ठीक है। अब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और वापस करेंगे तो ये देखिए सब कुछ वापस आ रहा है, जहाँ पर आप वापस उसे लाना चाहते हैं वहाँ पर वापस ला कर अपने शिफ्ट का की बटन छोड़ दीजिए, ठीक है।
मैं यहाँ से फिर से वापस आया, और ये ठीक है ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये ड्रॉ हो गई ठीक है। हालांकि बिल्कुल एलिप्स टूल तो नहीं ड्रॉ हो पाया, तो मैं दोबारा फिर से कोशिश करता हूँ। मैं इस तरह से बिल्कुल गोल यानी कि लाकर ये, और ये देखिए बिल्कुल यानी कि एलिप्स टूल इसने ड्रॉ कर दिया ठीक है व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इस लेक्चर के हवाले से आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं ठीक है व्यूअर्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।